हेलो फ्रेंड्स, परफेक्ट किचन राजस्थानी में आपका स्वागत है। आज हम आलू गोभी की सब्जी बनाएंगे। आलू गोभी की सब्जी तो हर घर में बनती है, पर जो आज मैं रेसिपी शेयर करूंगी इससे पहले शायद आपने कभी ना बनाई होगी। ना तो हम इसमें एक बूंद पानी डालेंगे सब्जी बनाते वक्त, ना हम इसको बॉईल करेंगे, ना ही हम सब्जी को फ्राई करेंगे, और सब्जी हमारी एकदम शानदार बनकर तैयार होगी। तो देखिए रेसिपी, हम बनाना शुरू करते हैं। आलू गोभी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम टमाटर की प्योरी बना लेंगे। मैंने यहाँ दो लाल टमाटर लिए थे, दोनों की प्योरी बना ली। एक चम्मच अदरक का पेस्ट और 1.5 चम्मच यहाँ मैंने लहसुन का पेस्ट, दोनों को मिक्स कर लिया है। 2 प्याज का भी मैंने पेस्ट बना लिया है। 500 ग्राम मैंने गोभी ली थी, गोभी हमें फ्रेश लेनी है, बिल्कुल फ्रेश गोभी लेंगे तभी हमारी सब्जी है जो शानदार बनेगी। गोभी को मैंने कट कर लिया है और आलू मैंने 300 ग्राम लिए थे, जिनको मैंने बॉईल कर छिलका हटाकर बड़े बड़े टुकड़े कर लिए हैं। आप चाहे तो छोटे भी कर सकते हैं और इससे बड़े भी रख सकते हैं। अब हम जो गोभी हमने काट कर रखी है उसमें हम 1 चम्मच भरकर नमक डाल देंगे। ये हमें जरूर से जरूर करना है तभी हमारी सब्जी अच्छी बन पाएगी। और अब हम इसमें गुनगुना पानी रखेंगे, गोभी अच्छे से डूब जानी चाहिए पानी से। इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। गोभी में नमक डालने के बाद हम चम्मच से 1-2 बार इसको मिक्स कर देंगे, ताकि हमारा जो नमक है वो अच्छे से गोभी में मिक्स हो जाए और जो गोभी में गंदगी रहती है वो बिल्कुल सही हो जाएगी, एकदम साफ सुथरी हमारी गोभी हो जाएगी। एक बार इस तरीके से गोभी जरूर बना कर देखें। अब हम इसको साइड में रख देंगे, तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। अब हम गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे, 1 बड़ा चम्मच भरकर हम सरसों का तेल डाल देंगे और तेल को गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो रहा है, मैंने यहाँ 1 चम्मच जीरा लिया है, 8 से 10 काली मिर्च, 2 तेज पत्ते, 2 लौंग और 1 काली इलायची ली है, जो हमने इसका आगे से मुंह होता है वो हम खोल लेंगे इस सब्जी में, या कोई भी सब्जी हम बनाए तो हम इलायची काली या हरी लें वो हम खोल कर ही आगे से इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम जो ग्रेवी बनाते हैं उसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तेल में धुएं आ रहे हैं, गैस को मीडियम करेंगे। 1 चम्मच जो हमने जीरा लिया था जीरा डाल देंगे, 2 तेज पत्ते, 1 लौंग इलायची और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा भी हम इसमें डालेंगे। सारी चीजें डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे, गैस को हम लो कर लेंगे। अब जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था पूरा डाल देंगे। प्याज का पेस्ट बनाते वक्त हमने इसमें 2 चम्मच पानी मिलाया था, इसलिए तेल में जाने के बाद छीटे हो सकती है, इसलिए हम गैस को लो करकर ही इसको डालेंगे। 2-3 मिनट मैंने प्याज को लो फ्लेम पर भून लिया है। अब मैंने 2 पिंच भरकर हींग ली थी, हींग डाल देंगे, हींग हमें जरूर डालनी है। अब जो लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाकर रखा था पूरा पेस्ट डाल देंगे और इसको भी हम प्याज के साथ भून लेंगे। अब इन सारी चीजों को हमें जब तक भूनना है जब तक की कढ़ाई में तेल तैरना स्टार्ट नहीं हो। मसाले को लगातार चलाते हुए मैंने भून लिया है। अब जो इसमें तेल डाला था वो साइडों में दिखाई दे रहा है, तेल हमारा अच्छे से तैर रहा है। अब हम इसमें पीसे हुए मसाले डालेंगे, गैस को हम लो कर देंगे। 1 चम्मच यहाँ हल्दी का पाउडर डाल रही हूँ, 1 चम्मच यहाँ कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जो रेगुलर मिर्च खाने के लिए होती है वो वाली मिर्च डालेंगे और 1 चम्मच यहाँ धनिया पाउडर। सारी चीजों को हम भून लेंगे, गैस को लो ही रखेंगे। 0.5 से 1 मिनट तक हम मसालों को भून लेंगे। 1 मिनट तक मैंने सारी चीजों को भून लिया है। अब जो हमने टमाटर की प्योरी बना कर रखी थी प्योरी डाल देंगे और इसको भी हम भून लेंगे। अब स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, नमक हमें देखकर ही डालना है क्योंकि आलू को हमने बॉईल किया था जब भी हमने नमक डाला था और गोभी में भी हमने नमक डाल दिया है, नमक को ध्यान में रखकर ही डालना है। सारी चीजों को मिक्स करेंगे, अब हम इसको ढककर पकाएंगे। गोभी को रखे 10 से 15 मिनट हो चुकी है, एकदम व्हाइट हो चुकी है, बिल्कुल सफेद, देखने में कोई भी इसमें गंदगी नहीं लग रही है। गोभी बस हमें ऐसी ही लेनी है। अब हम इसका पानी छान कर निकाल लेंगे। टमाटर को भूनते हुए 5 मिनट हो चुकी है, टमाटर भी हमारे भून चुके हैं। अब जो हमने गोभी को छान कर रखा था सारी गोभी टमाटर के साथ में मिक्स कर देंगे। गोभी पर अच्छे से मसाला मिक्स करेंगे, गैस को हम एकदम लो ही रखेंगे। गोभी में मसाला मिक्स कर लिया है, अब गैस का जो सबसे लो फ्लेम होता है हमें वो करना है। गोभी में पानी हमें बूंद भी नहीं डालेंगे, ढककर हम पकने के लिए छोड़ देंगे। गोभी को पकते हुए 10 मिनट हो चुकी है और इसको मैंने बीच में 3-4 बार चेक किया था क्योंकि हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। अब गोभी हमारी बिल्कुल गल चुकी है, बस ऐसी गोभी हमें चाहिए। अब जो हमने आलू को काट कर रखा था बॉईल किए हुए आलू डाल देंगे। आलू को भी हम मसाले के साथ में और गोभी के साथ में मिक्स करेंगे।
गोभी को मिक्स करने के बाद यहाँ आधा चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, गरम मसाला डाल देंगे। एक चम्मच कसूरी मेथी को मैंने रोस्ट कर लिया है, क्रंच करके हम इसको डाल देंगे। मेथी को मिक्स कर लेते हैं। सारी चीजें मिक्स करने के बाद यहाँ अब एक नींबू का रस डाल देंगे। रस डालने से सब्जी में चटपटापन आएगा और सब्जी हमारी अच्छी बनेगी। अब यहाँ फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। धनिया को भी हम सब्जी में मिक्स करेंगे। गैस को हम बंद कर देंगे, सब्जी को गर्मा गर्म सर्व करेंगे। सब्जी को मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है, आप भी ये सब्जी गर्मा गर्म बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। इसकी रेसिपी हर किसी को पसंद आएगी क्योंकि इतनी स्वाद बनकर तैयार होती है। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें।